नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में हिंदी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था। इसमें हिंदी की शुद्धता को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, हम मातृभाषा की बात करें या मातृभूमि की बात करें, ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं अपने प्रतीकों से कट गए हैं और इसीलिए भाषा की यह स्थिति है? नहीं, हम अजीब तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम अपनी राष्ट्र को नहीं मानना चाहते, संस्कृति को नहीं मानना चाहते, भाषा को नहीं मानना चाहते। जो हो रहा है वो सब सही से चल रहा है, आप जबरदस्ती राष्ट्र को थोप रहे हैं। आप राष्ट्र, अरे भारतीय जनता पार्टी को अलग रख दीजिए साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं ये कहूंगा, कम से कम बात तो ही वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने इतने सारे गलत अंग्रेजी के नाम अपनी योजनाओं को दिए, लेकिन इसके पहले तो कोई ये बात करने को तैयार नहीं था। देश भर के 40 हिंदी के संपादकों को, और भी बहुत लोग हैं जो छूट गए, जो नहीं आ पाए, जिनको बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन कोशिश तो की, बुलाया तो सही, बिठाया तो सही। सम्मेलन की समाप्ति के बाद हिंदी की जो जय जयकार होनी चाहिए थी वो खत्म हो जाती है, उसको आगे तो बढ़ाया, केवल एक सम्मेलन और उसके मंच तक सीमित तो नहीं रखा। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है, आपकी भाषा की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और वो उस तरह के भावों से, उस तरह की योजनाओं से जुड़ी हुई है। जैसे कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि साहब ये तो सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के आता है, ये इस तरह की नौकरशाही में, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में हम कब तक फंसे रहेंगे? अगर एक सुषमा स्वराज है जिनकी खुद की हिंदी की चेतना बड़ी ऊंचे स्तर पर है और वो चाहती है और उनको दर्द है और उनके मंत्रालय को विश्व हिंदी सम्मेलन के बहाने से ही सही एक इस तरह का कार्य मिला है जिसमें वो आगे बढ़कर हिंदी की सेवा कर सकती, तो उनको क्यों नहीं करने दी जानी चाहिए? मुझे तो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण ये लगती है कि हम, जैसे नलिनी सिंह आई थी वहां, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। नलिनी सिंह ने कहा कि मैं खुद अंग्रेजी की पत्रकार हूं, अंग्रेजी से हिंदी की तरफ आई हूं और बाद में हिंदी सीखी है, लेकिन मुझे अच्छी हिंदी पढ़ना लिखना बोलना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के अखबार जब पढ़ती हूं और उसमें बेतरतीब तरीके से ठूसे गए अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ती हूं तो मुझे दुख होता है, झटका लगता है। आज के पहले मुझे लगता था कि झटका मुझे ही लग रहा है और मेरे अंदर ही कुछ गलत है। आज बैठक में आके मुझे लग रहा है कि ये हम सब लोग संवेद स्वर में इस बात को मानते हैं और ये झटका महसूस सबको होता है, लेकिन इसको अभिव्यक्त हम, तो ऐसे मंच मिलेंगे तभी तो ये बातें सामने आएंगी, अभिव्यक्त होगा, उनको लगने लगा कि उनके साथ ही कुछ गलत है। ऐसे ही मैं जब अंग्रेजी, क्योंकि पूरा परिवेश वो है, तो मैं जब अंग्रेजी के शब्द पढ़ता हूं समाचार पत्रों में तो ठिठकता हूं और मुझे लगता है कि कहीं मेरे अंदर तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत तो ये हो रहा है साहब कि हम गलत चीजों को जायज ठहरा रहे हैं कुतर्कों के जरिए। एक बहुत बड़े संपादक वहां पर आए हुए थे और वो बहुत बड़ी टेलीविजन चैनलों की संस्था के भी प्रतिनिधि हैं और उन्होंने बाद में जाकर एक संपादकीय पन्ने का बड़ा सा लेख लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि 4-5 घंटे संपादकों को वहां बैठकर हिंदी की चिंता करने की बजाय टेलीविजन चैनलों पर लगातार प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या दिखाई जा रही है। अरे उसके लिए जो मंच बना वहां तो चर्चा हो नहीं रही है। जब भाषा की चर्चा होगी तो आप कहेंगे कि प्रोग्रामिंग की चर्चा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग की चर्चा होगी तो आप कहेंगे भाषा की चर्चा होना चाहिए। एक बहस को तो जिंदा रखिए। जो संस्थाएं बनी हैं टेलीविजन चैनलों की प्रोग्रामिंग को तय करने के लिए, उनमें दम है कि वो किसी भी एक चैनल की किसी भी कार्यक्रम को रद्दोबदल करवा सकें? जो कानूनी पेच है उस वजह से उनको माफी मांगनी पड़ती है उसको छोड़कर, तो जो संस्था बनी है प्रोग्रामिंग को देखने के लिए वो नहीं करे? और विदेश मंत्रालय की हिंदी की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी प्रत्युषा बनर्जी के कार्यक्रम पर, गजब की बात है साहब। धन्य है साहब हम लोग तो सब। मुझे लगता है कि हम लोग इस बहस से सीधे तरीके से जुड़ना ही नहीं चाहते और अपनी विद्वता और अपनी बुद्धिजीविता का कोना पकड़कर किसी भी तरीके से अपने पक्ष को सही ठहराना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैं हिंदी का पक्षधर हूं या मेरे जहन में अंग्रेजी के शब्द नहीं आते, लेकिन जब जबरदस्ती अंग्रेजी ठूसी जाती है तो वो मुझे चुभती है। और अगर ये सबको चुभती है तो हमें मिलकर कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये आक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत आगे तक हो चुका है और आने वाले समय में शायद आज से 5 या 10 साल बाद यही माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय 15,000 ऐसे शब्दों की सूची सामने लाने के बजाय जो अंग्रेजी के थे और हिंदी में इस्तेमाल हो गए, 10,000 ऐसे शब्दों की सूची लाएगा, सब ये हिंदी के रह गए, बाकी तो सब अंग्रेजी ही है। हिंदी को लेकर केंद्र सरकार से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे शब्द उछाले जा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे स्किल इंडिया आपने कहा, स्टैंड अप इंडिया के लिए मैंने कहा उत्तिष्ठत भारत, जो स्किल इंडिया उसके लिए हुनरमंद भारत, कितना अच्छा शब्द है हुनरमंद भारत, हुनर कितना अच्छा शब्द है। हुनरमंद भारत जब हम कहते हैं तो हुनरमंद होगा पूरा भारत। हमको लगता है हमें अपनी भाषा से जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसको लेना ही हमने खत्म कर दिया है। हम इतने ज्यादा मशीनी हो गए हैं कि जो हो रहा है, जो बह रहा है, अब जो पानी का बहाव है उसके साथ तो लाश बहती है साहब। जो जिंदा आदमी वो तो तैरता है और जो तैरता है वो अपने तरीके से तैरता है, अपने हाथों से, अपनी शक्ति से, अपनी चेतना से तैरता है। तो आप तैरना नहीं चाहते और लाश की तरह बहना चाहते हैं, उसके लिए कोई क्या कर सकता है? यदि भी क्यों नहीं 12वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? मुझे कोई कारण नहीं नजर आता कि ऐसा अभी क्यों नहीं होता है। जैसे हिंदी प्रदेशों में हिंदी पढ़ाई जाए,
तमिल और कन्नड़ भाषी राज्यों में तमिल और कन्नड़ पढ़ाई जाती है, वहां पर भी आप चौथी पांचवी, और यहां पर भी आप तमिल कन्नड़ पढ़ाइए ना। एक बड़ा सवाल ये भी आता है और ये अच्छा पहलू है, इसका भी जवाब होना चाहिए कि हम अपने आपस में तो हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन जब हम अपने देश में तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, केरल में जाते हैं, तो वहां के भाषा भाषियों से हमारा संपर्क नहीं होता, और अंग्रेजी चूंकि संपर्क की भाषा बन जाती है इसलिए अंग्रेजी जरूरी है। वो लोग हिंदी को अपनाना नहीं चाहते, वो हिंदी को इसलिए अपनाना नहीं चाहते कि आप तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को नहीं अपनाना चाहते अपने यहाँ के होने के बावजूद। यहाँ के बच्चों को आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम पढ़ाइए, वहां के बच्चों को आप हिंदी पढ़ाइए, मराठी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, असमी पढ़ाइए। जब बचपन में असमी पढ़ने वाला बच्चा असम जाएगा, जब बचपन में तमिल पढ़ने वाला बच्चा तमिलनाडु जाएगा, वहां के व्यक्ति से तमिल भाषा में बात करेगा, उसको अच्छा लगेगा। जब बचपन में हिंदी पढ़ा हुआ तमिल बच्चा, भाषी बच्चा यहाँ पर आएगा और हिंदी में बात करेगा, तो यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आप पूरे देश को आपस में एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकते हैं। लेकिन हमें इस दिशा में काम ही नहीं करना साहब, हमें तो वोट बैंक की खातिर काम करना है, हमें तो भाषाई अस्मिता को राजनीति का मुद्दा बनाना है, हमें तो ये साबित करना है कि हम आपस में एक दूसरे की अच्छी चीज नहीं अपनाएंगे, चाहे अंग्रेजी को अपना ले, वो बाहर की से ही बढ़िया है साहब, रोजगार की भाषा है। एक और भ्रम है, हमें अच्छे हिंदी लिखने पढ़ने वालों की जरूरत है, हमें नहीं मिलते। अंग्रेजी से हमें कोई नाराजी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। आज चीनी लोग अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन विश्व में व्यापार करने के लिए वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन वो उतनी अंग्रेजी सीख रहे हैं, अपनी भाषा को भुला कर नहीं सीख रहे, अपनी भाषा को हीन मान कर नहीं सीख रहे, अपनी भाषा के साथ समझौता करके नहीं सीख रहे। तो उतनी अंग्रेजी तो आपको सबको अच्छे से आनी चाहिए, आप पढ़ाइए बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है इससे उसका रोजगार होगा, लेकिन आप हिंदी को पीछे छोड़कर अंग्रेजी मत सिखाइए ना, साथ में अच्छी हिंदी भी सिखाइए। उसको किसी भी सभा में चार लोगों के बीच हिंदी बोलने में अपमान बोध, अपराध बोध, हीन भाव नहीं आए, इतना तो आप व्यवस्था कर दीजिए। उसके दफ्तर में, प्रस्तुति में, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से बात करते वक्त उसको अंग्रेजी बोलनी वहां बोलने दीजिए, घर बाजार दुकान में तो कम से कम अच्छी हिंदी बोल ले वो, अभी तो वो हिंदी शब्द ही नहीं जान पा रहा। उसको जो आप समाचार माध्यमों में अंग्रेजी के शब्द दे रहे हैं, उसको लगता है यही सही है, यही हिंदी है। हिंदी की गिनती बच्चे नहीं जानते, 69 क्या है, 78 क्या है, 76 क्या है, पूछते हैं कि इसका अंग्रेजी में क्या, तो ये क्या अच्छी चीज है कि ये शर्मनाक चीज है। अब इसकी चिंता को हम उस स्तर पर ले जाएं, उस गंभीरता से सोचें, तो ही हिंदी सुधर सकती है। और ये कुछ लोगों की चिंता नहीं, पूरे राष्ट्र की चिंता बने तो बेहतर होगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, वरना अखबार वाले आपस में तो एक दूसरे की सुनने वाले नहीं। हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में भी तो बांध सकती है। बांध सकती है, उसके लिए हमें उन भाषा भाषियों को, क्योंकि प्रांतवार जो रचना हुई है वो भाषा के आधार पे हुई है, और इन ये भाषाई अस्मिता उसकी भी जरूरी, तमिल की भी उतनी बृहद संस्कृति है, व्यापक संस्कृति है, बांग्ला की भी उतनी है, महाराष्ट्र की भी उतनी, मराठी भाषा की भी है, गुजरात की भी है। आप इन सबको बोलेंगे कि आप सिर्फ हिंदी अपनाओ तो नहीं काम चलेगा, उनकी संस्कृति भाषा का पोषण सम्मान रक्षण करते हुए कैसे आप हिंदी को स्वीकार्य बनाते हैं, यही चुनौती, और इस दिशा में गंभीर काम नहीं हो। मुझे लगता है कि इस दिशा में ठीक तरीके से काम होगा, समय लगेगा, 5-10-15 साल लगेंगे, लेकिन आज से 15 साल बाद लगातार अगर इस पे काम होगा तो जो तमिलनाडु में, केरल में बसने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने को तैयार हो जाएंगे, बशर्ते उनको ये समझ में आ जाए कि हिंदी को अपना लेने से उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनके अपने विचार को, उनकी मातृभाषा है वो, उसको जीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसको उसका सम्मान बने रहना चाहिए। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम इतने बहुभाषी लोगों के साथ, इतनी सारी विविध संस्कृतियों के साथ जी रहे हैं, और उसके बावजूद हम हिंदी को स्वीकार्य बना रहे हैं। तो ये इस देश का उदाहरण पूरी दुनिया में बहुत सम्मान के साथ दिया जाएगा कि उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपनी सांस्कृतिक चेतना को सबके साथ स्वीकार्य बनाते हुए फिर हिंदी को सबको अपनाने को कहा। जबरदस्ती नहीं हो पाएगा, ये तानाशाही। किसी ने ये भी कहा कि आप जबरदस्ती लोगों से हिंदी मनवा लेंगे, पढ़वा लेंगे क्या? मेरा कहना, आप जबरदस्ती लोगों को अंग्रेजी ठूस ठूस के पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग पढ़ना चाहते हैं, आपने कोई इस तरह का सर्वेक्षण किया, आपने लोगों से पूछा कि वो सेलिब्रेट पढ़ना चाहते हैं क्या, रेक पिकर्स पढ़ना चाहते हैं क्या, एंटरप्रेन्योर पढ़ना चाहते हैं क्या, पॉपुलेशन पढ़ना चाहते हैं क्या? अभी एक और नया तमाशा अखबार में पढ़ा मैंने 2 दिन पहले, बॉयज और गर्ल्स, क्या लड़के और लड़की खराब शब्द हैं? क्या लड़के लड़की समझ में नहीं आता? आप उसकी जगह बॉय गर्ल्स पढ़ा पढ़ा के रटा देंगे उनको, बाद में बॉयज और गर्ल्स ही करने लग जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये तो कठिन शब्द है लड़का लड़की। तो ये तो आप षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं, आप तानाशाही से कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको हिंदी नहीं आती, आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो आपकी अकर्मण्यता दूसरों पे लाद रहे हैं, वो तानाशाही नहीं है। और अभी हिंदी की चिंता की जा रही है तो वो तानाशाही हो गई। अरे गजब तमाशा भाई। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी में अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।